स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है इफ ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू दी है आपने फाइंड करना है अच्छा अब यहां पर जो सेकंड फॉर्मूला है अगर आप इसको गौर से देखें तो क्या था ए प्लस बी प्लस सी तीन रंस उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का फिर थर्ड टर्म का प्लस पहली और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई कर लें two, फिर two के साथ दूसरी और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई कर लें फिर प्लस के साथ थर्ड और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लें एग्जैक्टली exactly यही फॉर्मूला हमने यहां पर अप्लाई किया प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर किसके इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्स टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी एके ए स्क्वेर प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्की वैल्यू आपको फोर्टी फाइव दी हुई है तो इसकी जगह इसकी जगह सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लाइन लगाई है इसकी जगह इसकी वैल्यू 45 हमने राइट कर दी इस पूरे में देखें सब में 2 है ना तीनों के अंदर तो 2 कॉमन आ गया जब 2 कॉमन आया क्या आया अंदर ए बी प्लस इसका 2 कॉमन प्लस बी सी टू कॉमन तो प्लस सी ए आ गया ओके ये मैं रिमूव कर रहा हूं यह आपको समझाने के लिए मैंने लगाया था यहां पर यह फोर्टी फाइव आ गया प्लस टू ये वैसे का वैसे ही ए प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू ऑफ माइनस वन वो हमने राइट कर दी माइनस वन का स्क्वायर एज इट इज ऊपर स्क्वायर आ गया माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा प्लस वन तो प्लस लगाने की जरूरत वैसे है नहीं आपने लगा दिया तो भी आपकी मर्जी क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस प्लस वन वन जा क्लियर प्लस वन क्या आएगा माइनस और इधर देखिए टू इंटू ए प्लस सी ए अब टू जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड यहां क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और प्लस वन माइनस फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फोर बचा टू इधर डिवाइड हो गया अब ये कट जाएगा टू वन जा टू और ये टू टू जी फोर टू टू जा फोर तो माइनस ट्वेंटी टू तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकी वैल्यू क्या हुई माइनस ट्वेंटी टू कितना आसान ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर टू ये हमारा हो गया